दिल्ली में आम आदमी पार्टी के करप्शन के खिलाफ जगह जगह भारतीय जनता पार्टी ने अनशन व धरने प्रदर्शन किए। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेयर जयप्रकाश जेपी ने भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का पुतला फूका और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग भी दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर भड़के। दिल्ली सरकार अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए शहीद भगत सिंह जैसे महान लोगों का नाम का इस्तेमाल करके बचना चाहती है। यह आरोप जयप्रकाश जेपी ने लगाते हुए बताया कि दिल्ली में आबकारी नीति और स्कूल को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार को लेकर जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो मनोज सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से करने लगी। आम आदमी पार्टी जयप्रकाश जेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए और मनोज सिसोदिया को बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, दिल्ली के अंदर आबकारी नीति और स्कूल के कमरे बनाने के ऊपर एक भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उस भ्रष्टाचार का संज्ञान लेते हुए जो हमारी सीबीआई और ईडी उन्होंने मामले दर्ज किए हैं, दिल्ली के अंदर सत्येंद्र जैन जो कि अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री थे वो जेल के अंदर बंद है। आबकारी नीति के तहत 12 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें पहला नाम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का है। जब कोई एजेंसी जांच करती है तो इसका मतलब है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जब भी भ्रष्टाचार के लिए जवाब के लिए उनको तलब किया जाता है तो वो हमारे शहीदों का नाम का दुरुपयोग करते हैं। अभी जब उनको सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को बुलाया तो वो कहते हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से की। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहते हैं माफ़ी मांगो और मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो। सर, लगातार भ्रष्टाचार की आड़ में क्या लगता है कि वो शहीद भगत सिंह को लेकर वो बचने की कोशिश करें इस मामले को लेकर? शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी, फांसी के फंदे को चूम लिया, और ये लोग आबकारी नीति के तहत, शिक्षा नीति के तहत भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार करके लोगों को गुमराह करते हैं। तो दिल्ली में जितनी भी शहीद आजम भगत सिंह से संबंधित संस्थाएं हैं, हमने सबको पत्र लिखा है, सबको आह्वान किया है कि जगह जगह ये आंदोलन चलना चाहिए ताकि हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम का दुरुपयोग बंद हो। जब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है तो राजघाट जाते नहीं, और जब जेल जाने की बारी आती है तो महात्मा गांधी जी के जा करके कहते हैं हमें बचा लो। अरे, महात्मा गांधी जी की आत्मा रो रही होगी, ये कैसे लोग हैं जो राजनीति बदलने आए थे, पूरे के पूरे बदल गए और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। ये बिल्कुल सही नहीं है। बहुत बहुत घिनौना काम किया है। कोई भी शहीद से अपने आप को तुलना करना ये बहुत घिनौना काम है। राजनैतिक अपना विचारधारा जो है अपना स्तर पे है, अपना मार्ग पे है, और ये जो किया है ये अभी का जितना राजनैतिक नेतागण है, कोई भी शहीद का, कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी का नाखून का बराबर नहीं है। ये अपमान बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है। शहीद भगत सिंह के साथ अपना कोई राजनैतिक नेतागण, अभी का राजनैतिक नेतागण जो करप्शन चार्जेस में गिरफ्तार होता है, उसका तुलना ये साहस कैसे आम आदमी पार्टी का नेतागण कर लिया? कितना विरोध करते हैं आप लोग इसको लेकर? तो विरोध तो देखिए, देश के लिए बलिदान दिया इन्होंने, देश के लिए तो कुछ किया। इन लोग तो गरीबी से अमीरी में आ गया, आम जनता से हो गया खास जनता, और कुछ कुर्बानी देने का नाम भी निशाना तक नहीं है।
सुरक्षा लेके और बीपर वाला गाड़ी लेके घूम रहा है, टहल रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स ले रहा है जनता से, तो इन लोग सैक्रिफाइस नाम का चीज जानता ही नहीं है क्या होता। कुर्ता पैजामा पहन के और टहलने से सैक्रिफाइस हो गया, कुर्बानी हो गया। कभी उन लोग आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद का जो सरकार का राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी एक महल से जाके वन मन में भटकते रहे, आज महाराणा प्रताप महल से निकल के वो वन वन में भटकते रहे और जीत हासिल किया अपना कौम के लिए, अपना समाज के लिए। आज भगत सिंह अपना सुख का जिंदगी त्याग देते हुए 23 साल का उम्र में कुर्बानी दिए देश के लिए। कभी इन लोग सोच सकते हैं इन लोगों का ब्लड में क्या है, डीएनए में सैक्रिफाइस? कभी भी अभी का कोई पॉलिटिकल नेता का डीएनए में पूर्वज ने कोई कुर्बानी नहीं दिया, जो कुर्बानी दिया जिसका पूर्वज ने, वो लोग गरीबी झेल रहा है अभी। तो ये जिस तरह का ये किया जा रहा है वो एक तरह से शहीदों का अपमान है, आप इसको लेके बहुत ज़्यादा अपमान है, इसको लेके बड़ा से बड़ा आंदोलन में हम लोग खड़ा हो जाएंगे। और आम आदमी पार्टी तो आदमी के लिए है, औरत के लिए है ही नहीं। ऐसे नाम लगा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। आम जनता पार्टी होता तो कुछ हम लोग सोचता, लेकिन आम आदमी तो आदमी लोग सोचे क्या करेगा, इसको अरेबियन सी में फेंकना है या बंगाल में फेंकना है या इंडियन ओशन में। हम लोग तो अभी से त्याग देगा, क्योंकि शहीदों का जो लोग अपमान करेगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम लोग उनको सहने का नहीं। आज हमारा वोटर कार्ड, आधार कार्ड और हम लोग जो स्वतंत्र भारत में सांस ले रहा है उसका एक एक पल हम लोग आभारी है ये स्वतंत्रता सेनानियों का। हम उन लोगों का नाखून का बराबर कोई भी नहीं है, जो जितना बड़ा हीरो हो जाए अभी स्वतंत्र भारत में उन लोगों का नाखून का बराबर नहीं है। ये घोर अपमान करा है इन्होंने शहीद का। हर 5 साल में पॉलिटिक्स में शहीदों का अपमान किया जाता है, हम घोर निंदा करते हैं। और केजरीवाल तो और उसकी पूरी पार्टी इन कामों में माहिर है कि देशभक्तों का अपमान किस तरह से किया जाता है इस पार्टी के द्वारा। हम वो तो कहते हैं हम तो जंग लड़ रहे हैं। ये कौन सी जंग लड़ रहे हैं? जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन्होंने अपना परिवार, अपना घर छोड़ा, पूरे जीवन का त्याग करा। ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इन्होंने क्या त्याग करा? ये तो अपने बेटे की कसम खा रहा था कि मैं सत्ता देश संभालूंगा, कोई गाड़ी नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं लूँगा। तो ये तो सत्ता के भूखे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए। क्या लगता है आप लोग इसको लेकर विरोध? हम घोर निंदा करते हैं और हम सभी देशभक्तों से कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में कि इस पार्टी को इस पार्टी के जहाँ भी वर्कर मिले, नेता मिले, इनको जूतों से चप्पलों से मारा जाए, जिससे कि आगे आने वाले समय में किसी की हिम्मत ना हो। हमारे देश के जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, अंग्रेजों से इस देश को मुक्त कराया, उनके बलिदान की ऐसी बहुत बड़ी निंदा करते हैं, हमें इन्हें शर्म आनी चाहिए।